अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, गुफ्तगू कंदासूं कराची जी मंज़रनामे ते, छाकाणि त कराची जे हवाले सां कल ताईं अहम ख़बर जेका आहे उहा लंडन मां आई ऐं इहो जिते मनी लॉन्ड्रिंग जो केस हुयो उन हवाले सां जेका बरतानिया जी पुलिस आहे उन उहा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ऐं हिते बि असां ॾिसूं था त उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि पंहिंजो डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि और पंहिंजो ख़ासि तरह जेके बयानात आहिनि फारूक सत्तार साहब जा ऐं पी एस पी जे मुस्तफ़ा कमाल साहब जा, उन ते मजमूई तौर ते ॻाल्हाईंदासीं कराची जे पस मंज़र में, कराची जी सूरत हाल ते ऐं उन हवाले सां जेके ख़ासि तरह एम के एम जे हवाले सां जेका हाणे मुख़्तलिफ़ जेके उन जा दावेदार आहिनि उहे छा था चवनि, उहे कीअं उहो पंहिंजो पंहिंजी पोज़ीशन खे अॻिते वधाइनि पिया, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर साफ़ी नामेर तर्जनगार न्यूज़ वन जे डायरेक्टर न्यूज़ जनाब हाफिज़ तारिक महमूद साहब अचो था उन सां अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अब साहब, ये क्या हुआ? कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो इमरान फारूक कत्ल केस से भी ज़्यादा संगीन है, रंगे हाथों वो पैसे वहाँ से निकले, वो वहाँ से निकाले गए और वो उसके घर से निकले, ऑफिस से निकले, मतलब इसमें तो एविडेंस का तो कोई मसला भी नहीं था। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई। देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस मामले को जब दो केसेस का कंपैरिजन हमेशा किया जाता था, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस का, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर ये बात की जाती थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिस तरह आपने कहा कि वो बराह रास्त चूँकि उसमें मुलव्वज़ थे, उसमें उनको ज़मानत करानी पड़ी, वो गए, उनके घर से रिकवरी हुई और फिर जो मामला थे तो वो ये कहते थे चूँकि बराह रास्त इसमें ताल्लुक़ है, जो कि डॉक्टर इमरान फारूक केस में उस तरीके का इतना ज़्यादा बराह रास्त ताल्लुक नहीं था जितना मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आपको पता है कि इंटरनेशनली कितना ज़्यादा संगीन मामला कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस मामले के दो पहलू थे, एक पहलू था जो कानूनी था, जो लंदन के क्राउन प्रोसिक्यूशन के अंदर जो भी डिबेट चल रही थी, और दूसरा मामला ये था जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, अखबारात में, मीडिया में और इंटरनेशनली जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था। हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो मीडिया ट्रायल के ऊपर रही, तमाम तर तवज्जो ये रही कि किस तरीके से जो है वो ख़बरों को हाईलाइट किया जाए, छोटी सी बात को बड़ा करके बनाया जाए, लेकिन जो दूसरी साइड थी उसके ऊपर हमने उस तरीके से ना तवज्जो दी, ना शायद हमारी तरजीहात में शामिल था। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, एक तो ये मामला आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा तवील चला, और फिर उसके अंदर इंटरनेशनल इंटरेस्ट, दो तरह के इंटरनेशनल इंटरेस्ट थे। लॉर्ड नज़ीर साहब ने मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर ये गुफ्तगू की कि मैं समझता था कि जहाँ लंदन में मैं बैठा हूँ वहाँ पे जो अदल का निज़ाम है या कानून का निज़ाम है वो वहाँ पे फैसले मेरिट पर होते हैं, लेकिन कम अज़ कम अल्ताफ़ हुसैन के केसेस के हवाले से मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि यहाँ पर मेरिट से ज़्यादा मामला कुछ और है, पोलिटिसाइज है मामला। इसके अंदर आप देखें कि एक मामला आया रॉ की फंडिंग का, कि ये पैसे जो है, जो मोहम्मद अनवर का बयान और तारिक मीर का बयान जो कोर्ट होता रहा है और जो 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 उनके पेपर्स थे जिसका डिनाइल किसी सूरत में नहीं आया, गुज़िश्ता रोज़ भी जो मोहम्मद अनवर ने इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि ये 15-20 सफात पर मुश्तमिल बयानात था, उसके अंदर से आपने कुछ सेंटेंसेज लिए, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सेंटेंसेज उनके नहीं थे। एक रॉकी इन्वॉल्वमेंट, दूसरी अल्ताफ हुसैन साहब इतने तवील अरसे से जो 1992 से वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बारहा ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट को सर्व किया है मुख्तलिफ मामलात के अंदर, तो आखिर उन्होंने उसको भी पे ऑफ करना था, दूसरी चीज़ें करनी थी। और तीसरी तरफ जो हमारी अपनी चीज़ें थी, यानी कल सरफराज मर्चेंट के आप जो स्टेटमेंट देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, जो उसमें ये चीज़ वाजे तौर पर सामने आई कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें थी, चाहे ये हुकूमत हो चाहे इससे पिछली की हुकूमत हो, उन्होंने एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और स्टेट लेवल के ऊपर जो गुफ्तगू करनी चाहिए थी वो गुफ्तगू नहीं की, नतीजा फिर वही निकला। आप कहते हैं जी रॉ के प्रेशर के अंदर ये मामला हो गया, भाई रॉ ने तो आपके खिलाफ काम करना ही करना है। अगर आप कहते हैं जी ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने तो आपके खिलाफ काम करना ही करना है, आपने खुद क्या काम किया है? आप खुद कोई होमवर्क करने पे तैयार नहीं है और उसके बाद एलिगेशन दे दें जी चूके, तो इसका मतलब है कि भाई वो इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप तमाम तर सबूत होने के बावजूद, तमाम तर जो है वो चीजें सामने आने के बावजूद, गवाहान सामने आने के बावजूद, अगर आप चीजों को प्रूव करवाने में नाकाम रहे हैं और स्टेट लेवल पे वो कहते हैं जी मैंने तश्वीश का इजहार किया, कल विफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू, भाई तश्वीश का इजहार किया, जो काम आपको जिस वक्त करना चाहिए था वो उस वक्त आपने काम नहीं किया, अब आप कहते हैं तश्वीश का इजहार किया, आपने एक GIT बना के तमाशा लगाया कि जी फलाना होगा हम ये करेंगे, 3-3 घंटे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, निकला क्या? निकला ये कि कल उन्होंने कह दिया जी कि कोई केस ही नहीं बनता, और पैसे भी उनको, उन्होंने कहा जी पैसे तो हमें वापस मिल ही जाएंगे।
तो ये टोटल फेलियर है हमारा, गवर्नमेंट लेवल का भी फेलियर है, और जो चीजें थी अगर दूसरों की कामयाबी कहें तो मैं कहूंगा कि हाँ कामयाबी, और उसका नतीजा क्या होगा कि अल्ताफ हुसैन को और एमक्यूएम लंदन जिसको आप कहते हैं उनको, उसको मोरल वो उसको फतह करार दे रहे, उसको वो कह रहे हैं देखें जी ये प्रूव हो गया, जैसे ये प्रूव हुआ है बाकी चीजें भी प्रूव हो जाएंगी। नहीं ये अगर वो कहें तो ये उनकी बात, अगर एक तरह से वो जिस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ पे इदारे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जिन्होंने फैसला करना था। आपके ख्याल में वो यहाँ पे पाकिस्तान पे में कैसे रिप्लिकेट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो फैसले पाकिस्तान के इदारों ने करने हैं। लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन इस जो अब जो उसके बारे में क्यास आ रही थी पहले, और जिस तरह लॉर्ड नज़ीर को भी वहाँ पर नज़र आया, और वो वारसी साहबा जो थी उसका भी कोई स्टेटमेंट आया था, बाकी दूसरे लोगों का भी आया था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं तो एक तरह से वो जो क्यास आ रही थी वो उस ज़्यादा वो मजबूत हो गई है, उसमें तो गुंजाइश ही कोई बाकी ठीक है ना, उसमें क्या गुंजाइश बाकी के बरतानिया जो है और अल्ताफ का हुसैन का कोई नेक्सस है, और जिस तरह इन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रॉ का भी नेक्सस वहाँ पर नज़र आया, तो ये जो सैफरी की जो नेक्सस है, तो जाहिर है जब वो वहाँ पे जो भी फैसले करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब फैसले की बात होगी तो फिर तो पाकिस्तान के इदारे करेंगे ना। देखिए पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की जो हुकूमतें थी वो अपने फैसले करने में इतने आज़ाद होते तो शायद हमारी हालत जो है जो आज है वो ना होती। इन्होंने हमेशा इस मामले के अंदर भी, मैं आपको ढके छुपे अल्फाज में कहूँ कि एमक्यूएम के मामले के अंदर भी उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बजाय इसकी आड़ में कुछ और फ़ायदा हासिल करना चाहते थे बरतानवी हुकूमत के साथ। और चले मैं अगर खुल के एक जुमला अगर कह दूं कि हमारी प्रायोरिटी ये थी कि शायद अल्ताफ हुसैन और स्पेशली डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के अंदर हम उनकी मजबूरी बन गए हैं, और उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस को हल करना है, और उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ और स्पेशली बलूचिस्तान से रिलेटेड जो लोग थे उनके ऊपर बार्गेनिंग करें और डील बनाने की कोशिश करें। हमने वो कोशिश की, इन एविडेंसेस को इन चीज़ों को हमने उस तरीके से उनके सामने ना प्रेजेंट किया, ना हमने नेगोशिएशंस की, ना हम इतने ज़्यादा आगे गए, सियासी मसलियत का शिकार होते रहे। नतीजा ये निकला कि उनको बहुत सारी चीज़ों में जवाब मिल गया और उन्होंने बहुत सारा मलबा हमारे ऊपर डाल दिया कि पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो एविडेंस मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे उसके ऊपर झूठे एफिडेविट जमा कराए गए वहाँ पे कि ये पैसे जनाब इस्मत के अंदर वहाँ पे दिए गए। वो एफिडेविट जमा कराने वाले लोग यहीं पर मौजूद हैं, उन एफिडेविट जमा कराने वाले लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जो बल्दियाती सेटअप के अंदर कुलीदी ओहदों पर फाइज हैं, क्या उनसे पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो तफ्तीश नहीं कर सकती थी, क्या उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर सामने नहीं लाया जा सकता था, क्या नहीं बताया जा सकता था कि जिन एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर आप उनको बेल आउट कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, वो सरासर झूठ के ऊपर मबनी है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, परसू नहीं किया। तो उनको जवाब फराहम किया कि वो अपने उस शख्स को जो उनके लिए सर्व करता रहा है उसको एक फेस सेविंग के लिए भी उनके पास जवाब था कि जनाब हमारे पास ये चीजें नहीं है लिहाजा हम इसको बेल आउट कर रहे हैं, और बाकी चीजें तो हैं जो चाहे वो रॉ का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, जो आदमी एडमिट कर रहे हैं, जो उनके लोग एविडेंसेस में एडमिट कर रहे हैं कि जनाब हमें फंडिंग होती रही है, जो ये बताते रहे कि यार हमारी फलानी जगह के ऊपर मीटिंग हुई है, जेनेवा में मीटिंग हुई है, फलाना मीटिंग अरेंज करता था, इस लेवल का अफसर होता था, उसके बाद भी क्या कोई गुंजाइश बाकी बचती है? इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने तो ये काम करना था, अपने बंदे को प्रोटेक्ट करना था, उसको बचाना था, वो उन्होंने बचाया, आपने जो काम करना था क्या वो आपने काम किया? वो काम नहीं किया। अब लकीर पीटते रहे, शोर मचाते रहे, जो मर्जी करते रहे, उसका कोई फायदा नहीं। ये क्या समझते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है कि ये हमारे नाअहली के ज़मरे में आता है, या जो आम तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर औकात सिविल मिलिट्री जो अपना साइड्स होती हैं उनके अंदर जो है वो सेम पेज पे नहीं होती तो चीज़ें इस तरह हो जाती हैं, या आपके जो जिस तरह हम कहते हैं कि आम तौर पर हमारे वाले लोग भी समझते हैं कि ये एसेट है, कुछ हमारे काम भी आते रहे हैं। देखिए सियासी मसलियतें तो आड़े आती रही हैं, पीपल्स पार्टी के पूरे 5 साल दौरे हुकूमत में जो वफाकी वजीर दाखिला है साबिक रहमान मलिक साहब किस तरीके से उनको सर्व करते रहे, किस तरीके से जो है ना वो मामलात को उनके दरमियान ब्रिज बन के जो है वो सॉल्व करते रहे वो आपके सामने है। लोग परेशान है कि सर रहमान मलिक क्यों सर्व करते रहे? नहीं रहमान मलिक साहब तो देखे ना उनके वोटों से तो सेनेटर बने दोनों दफा आपने देखा,
रहमान मलिक साहब के हाथ में तमाम तर चीजें ऐसी थी कि एक दिन वो हुकूमत से बाहर निकलते थे, रहमान मलिक साहब जाते थे, उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाया करते थे। तो रहमान मलिक साहब ने तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाकर जो पॉलिटिकल जितना वो मकसद हासिल कर सकते थे वो उन्होंने हासिल किया। आप देखें कि किस तरीके से उनके साथ वो तीर की तरह सीधे चलते रहे। आप ये देखें कि वो जो है MQM को जो आसिफ जरदारी की मफाहमत की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से जो 5 साल जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ वो आपके सामने, उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर MQM का था और उस MQM के एक बहुत बड़े फैक्टर के अंदर रहमान मलिक साहब थे। यानी MQM की आज अपनी लीडरशिप फारूक सत्तार साहब से लेके मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरुल इबाद तक आप चले जाएं, हर आदमी ये कहता था कि जनाब इससे ज्यादा पावरफुल आदमी जो है वो MQM में कोई नहीं, जितने पावरफुल आदमी रहमान मलिक साहब हैं। तो वो तमाम तर मामलात में वो तासुर भी देते हैं कि उनके ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, वो तासुर भी देते हैं कि उनका इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, वो ये तासुर भी देते हैं उनके पाकिस्तानी इदारों के साथ ताल्लुकात हैं। तो उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे मंजरनामे को रहमान मलिक साहब ने जिस तरह 5 साल में कैश कराया, तो ये वो बात है कि पॉलिटिकल हर्डल्स के हमारे एसेट है, हमें काम आते रहे और वो काम आते रहे 5 साल पूरे। दूसरी जो बात आ जाए कि अब नाअहली का मामला, सिविल और मिलिट्री जो है वो एक पेज पे, वो कितने एक पेज में वो अंदाजा कर लें। आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो स्टेटमेंट सामने आया उससे अंदाजा लगा लें कि सिविल और हमारे मिलिट्री हुक्मरान किस कदर एक पेज के ऊपर हैं और किस तरीके से मिलके जो है वो काम करते हैं। लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो आज 6 महीने में या साल में जरूर खराब हुआ होगा, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, इतना ज्यादा ब्रिज नहीं था जितना आज ब्रिज आपको नजर आ रहा है। तो जो ये मामला शुरू हुआ, ये चौधरी निसार साहब बड़ी लंबी चौड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, तो उस वक्त इतना गैप नहीं था, तो इसको सिर्फ उसके ऊपर पलड़े में डाल के कि जनाब ये सिविल मिलिट्री जो है वो गैप था और उस गैप का फायदा MQM को हुआ, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ सिविलियन इदारों की भी नाअहली है और मैं समझता हूँ हमारे अस्करी इदारों की भी नाअहली है। उनके पास भी जो भी इंटेलिजेंस प्रूफ थे, अगर उन्होंने वो तमाम प्रूफ उनको फराहम किए हैं और हुकूमत ने वो मुकदमा सही नहीं लड़ा, तो उसका मतलब ये है कि वो ये हुकूमत की नाअहली है। और अगर अस्करी इदारे अपना प्रेशर बिल्ड करके जो मुल्की मफाद और सोवरेनिटी के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी अगर अपना रोल प्ले नहीं कर सकते तो फिर जो है मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। अच्छा, अब जो है ये तो जिस तरह आपने कहा कि अब ढोल पीटते रहे लेकिन सांप तो निकल गया, जो सिंधी में कहते हैं कि लकीर पे कुटो नांग निकरी हो, सो सांप तो चला गया, अब उसका जो है वो निशान जो है उसको पीट रहे हैं। यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है, यहाँ पे जो हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, फिर अपना फारूक सत्तार साहब हैं, लेकिन आजकल उसके बयानात ऐसे आ रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने फिर जगह पैदा की अल्ताफ के लिए तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, ये क्या है? मेरा ख्याल है कि फारूक सत्तार साहब दुरुस्त बात कह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने एक कोशिश की है पाक सरजमीन पार्टी की सूरत में यहाँ पे लोगों पर मुसल्लत करने की। देखें, आप लोगों की राय को अपनी मर्जी के साथ ये नहीं कह सकते कि डंडे से हाँक के कि जनाब आप जो है वो PSP में चले जाएं, तहरीक इंसाफ में चले जाएं, फलानी पार्टी में चले जाएं, और ये हमारी जो है ना वो ब्लू वाइट पार्टीज़ हैं और ये जो पाकिस्तान की जो पॉपुलर पार्टीज़ हैं, चाहे उनके ऊपर करप्शन के इशूज़ हों, चाहे गवर्नेंस के इशू हों, PMLN पीपल्स पार्टी या और XYZ जो भी पार्टी जिसमें रिलीजियस पार्टीज भी बाज सेक्टर में, आप ये कहें कि नहीं जनाब ये पार्टियां ठीक नहीं है, ये फैसला करने वाले हमारे इदारे नहीं होते, ये फैसला करने वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, और इस्टेब्लिशमेंट ने और इदारों ने जब भी ये फैसले किए नतीजा ये निकला है कि खराबी पैदा हुई है। तो फारूक सत्तार साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर उनको जगह प्रोवाइड की, तो जगह प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? लिंक बिटवीन लंदन एंड कराची। जगह प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन साहब तो 90s के अंदर सियासत छोड़ के चले गए थे 6 महीने के लिए, उनका पार्टी में हवाले करता हूँ, अजीम अहमद तारिक साहब आ गए थे, हाजी शफी के घर में पार्टी बन गई थी, सारे लोग उनकी तरफ चले गए थे, मगर वो दोबारा आए, इश्तियाक अजहर को खड़ा कर दिया, फलाने को खड़ा कर दिया, अजमल दहलवी साहब को खड़ा कर दिया, कन्वीनियर बना दिया, अननोन लोग थे दोबारा उन्होंने गैदर कर लिया। सूरत हाल उनके लिए बदली है, यानी 1992 से लेकर 2016 तक के अंदर बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन को मजलूम कर देंगी, इसकी जाने भी इशारा कर रहे हैं फारूक सत्तार। इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां एक मरतबा फिर ये जो कराची का वोट बैंक या कराची की जो चीजें हैं वो अल्ताफ हुसैन की झोली में डाल देंगी, हालात उसी जानिब जा रहे हैं। कल परसों तरसों अगले 2-3 दिनों के अंदर MQM अपनी लंदन जो है वो अपनी राबता कमेटी अनाउंस करने के लिए जा रही है, जिसके अंदर एक मरतबा फिर कन्वीनियर नदीम नुसरत होंगे,
जो लंदन में आपको लोग नजर आते हैं, दो तीन लोग वो लंदन से राबता कमेटी में शामिल होंगे, और कराची यानी वासे जलील और ये वासे जलील हो सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी या कासिम रजा या वासे जलील, ये इस तरह के लोग लंदन से होंगे और कराची से भी राबता कमेटी के अंदर वो लोगों को शामिल कर रहे हैं, और उसके अंदर साथी इसाक हो सकते हैं, उसमें प्रोफेसर जफर एजाज हो सकते हैं, उसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अननोन लोग हों, लेकिन वो फेस ऑफ अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में यहाँ पर मौजूद होंगे। और फेस ऑफ अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में यहाँ मौजूद होने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा तबका जो अभी तक ना फारूक सत्तार को या दूसरे लोगों को उसी सफ में गिनना शुरू हो गया है जिस सफ में वो मुस्तफ़ा कमाल को रख रहे थे, तो फिर नतीजा ये होगा कि ये लोग एक मरतबा फिर इनका सियासी किबला जो है वो लंदन हो जाएगा। और लंदन होने का मतलब ये है कि वो जो आज बात कल वासे जलील साहब इंटरव्यू में कह रहे थे कि वक्त को गुजरने दें, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने यही पॉलिसियां रखी तो वक्त को गुजरने दें, एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन जो है इसी तरीके से मामलात पर काबू पाने की पोजीशन में होंगे, और उससे बड़ा फेलियर जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का और इदारों का हो नहीं सकता। नहीं, आपके ख्याल में वो जो सारा कुछ होगा वो अल्ताफ हुसैन जो अपना यहाँ पे उसकी जो लंदन एमकेएम है, बल्कि एमकेएम लंदन जो है वो यहाँ पे अपने अपने रूट्स जो है वो नए सिरे से अपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी, तो विदाउट द कंसेंटमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो अपना हकूमत के साथ, पाकिस्तान की हकूमत के साथ या पाकिस्तान के इदारों के साथ कोई अपना मिल के या उनके सामने अपनी सुलह सफाई करके या अपनी पोजीशन क्लियर करके उसके सिवा वो यहाँ से रीऑर्गेनाइज को ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगी कि इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किस तरफ है। इस्टेब्लिशमेंट उनको नज़र आ गया, यानी आप ये देखें कि फारूक सत्तार साहब का आपने सुना होगा कि गुफ्तगू में वो कहते थे कि जब हम मियाँ साहब से मिले या हुकूमत के लोगों से मिलते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि आप अल्ताफ हुसैन को माइनस करके बात करें, बाकी एमकेएम से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो किस वजह से कहते हैं? क्योंकि उनको नज़र आता है कि हमारे इदारे जो है वो अल्ताफ हुसैन की ज़बान की वजह से, अल्ताफ हुसैन के कनेक्शंस की वजह से, अल्ताफ हुसैन की पॉलिसियों की वजह से मुतनफ़िर हो चुके हैं और कन्विंस हो चुके हैं कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है। इस वजह से जो भी हुकूमत होगी उसको उसका झुकाव जो है वो अल्ताफ हुसैन की तरफ इस्टेब्लिशमेंट के रवैये की वजह से नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट अल्ताफ हुसैन से बात नहीं करेगी फिलहाल, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कब कब अल्ताफ हुसैन से बात की है? इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त अल्ताफ हुसैन से बात की है जब उनकी पॉलिसियां फेल हुई हैं, यानी 1992 में वो हकीकी को लेके आए, लेकिन हकीकी का जो जो प्रोजेक्ट था वो जब फेल हुआ और 93 के जब इलेक्शन हुए और एमएनएस के कौमी असेंबली के इंतखाबात में एमकेएम बाइकॉट करके चली गई, तो इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी पड़ गई एमकेएम के साथ और एमकेएम को सूबाई असेंबली के इंतखाबात में कंटेस्ट करवाना पड़ गया। फिर उसके बाद आप वो तो मुशरफ का था, वो देखें एस्टेब्लिशमेंट 1993 की मैं बात कर रहा हूं। हां 93 में मुशरफ थे। अच्छा 93 की मैं बात कर रहा हूं कि कौमी असेंबली से एमकेएम बाइकॉट करती है, या दो दो तीन तीन चार चार हजार वोटों के ऊपर लोग एमएनए बन जाते हैं, लेकिन फिर आप जो है वो वापिस एमकेएम से बात करने पर मजबूर होते हैं, एमकेएम को लेके आते हैं कि जनाब आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, वो सूबाई असेंबली के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो फिर उसी तरीके से हजारों वोट लेके कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाएं 93 से 96 के अंदर ऑपरेशन होता है, लेकिन 97 के अंदर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो सारा कंपनसेट कर देते हैं। आप सिर्फ ये मालूम कर लें कि नवाज शरीफ साहब 97 के अंदर आकर एमकेएम को उन्होंने कितनी फंडिंग की है, शोहदा के नाम पर, ऑपरेशन में जो लोग मर गए उनके नाम के ऊपर करोड़ों रुपए, खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पे यही हिसाबदार हुआ करते थे, यही लोग हुआ करते थे, चौधरी शुजात और दूसरे लोग, इनसे पूछें कि कितनी फंडिंग हुई है, एमकेएम को करोड़ों रुपए दिए गए, एमकेएम को आपने मजबूत कर दिया। हकीम मोहम्मद सईद का वाकया होता है, हकीम मोहम्मद सईद के वाकये के बाद जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता, मुल्की सारे इदारे उनको प्रूफ फराहम करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से मनसूबाबंदी हुई, इस तरीके से कत्ल किया गया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब मजबूर होते हैं हुकूमत को खत्म करने के लिए और यहां पे सिंध में गवर्नर राज जो लगता है, लेकिन उसके बाद आप देखें कि गैप आता है और गैप आने के बाद मुशर्रफ साहब हुकूमत में आ जाते हैं। तो मुशर्रफ साहब जब हुकूमत में आते हैं तो इनकी तो पांचों उंगलियां घी में हो जाती हैं, गवर्नर ही इनको दे देते हैं, तो तमाम जो है वो शहर के ताजिर और कारोबारी हजरात जो है वो इनके दर पे हाजिरी दे रहे होते हैं, फाइनेंशियली इनको मजबूत करते हैं, डिप्लोमेटिक सर्किल में इनको मजबूत करते हैं, पॉलिटिकल सर्किल में इनको मजबूत करते हैं, यहां तक पोजीशन होती है कि आपकी बंदर बांट का यह आलम है कि केयर टेकर जब गवर्नमेंट बनती है तो कोटा बनता है,
कि पीपल्स पार्टी के इतने वजीर हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगे और एमकेएम के इतने वजीर हैं वो इनको मिलेंगे। यहां तक बंदरबांट होती है कि केयरटेकर की जो मिनिस्ट्री होती है, बाबर गौरी साहब जिसको मिनिस्टर बनाना होता है उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं कि जनाब ये मिनिस्टर है, आप नाम देते हैं वो इस बुनियाद के ऊपर, तो आपकी केयरटेकर हुकूमतें बनती है। तो आपको तो उन्होंने माला माल कर दिया ना, चारों तरफ से माला माल। तो अब यही बात है कि कल को इस बात की क्या गारंटी है कि कोई और मुशर्रफ आके इनसे डील नहीं कर लेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा अल्ताफ हुसैन की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। कल एक मरतबा फिर अगर कोई ये बात कर देते हैं कि हम अल्ताफ हुसैन को कौमी धारे में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इनसे गलती हो गई इनकी माजरत को खुले दिल से कबूल कर रहे हैं, इनके माफीनामे को कबूल कर ले, तो मुझे बता दीजिए किधर खड़े होंगे लोग। ये जो आज बगावत करके खड़े हुए हैं, 92 में जो बगावत करके खड़े हुए उनका हाल ये था कि 2002 में जब आपने बैतुल हमजा को डिमोलिश कर दिया तो आप उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं थे। उनके घरों में फाके आ गए, जिन लोगों को आप अपना ब्लू आइड समझते थे, जिनको आप अपनी जीपों के अंदर बिठा के जो है वो शहर में घुमाया करते थे, उनसे आप बात करने के रवादार नहीं थे। तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई आदमी फिर किस तरीके से भरोसा कर सकता है? ये तो बड़ी बात है, मुस्तफा कमाल जो है वो इनके ऊपर भरोसा करके आ गए। तो अगर अल्ताफ हुसैन ने ग्राउंड पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और वो उसमें कामयाब हो गए, तो फिर मैं ये समझता हूं कि एक मरतबा फिर खुदा ना खास्ता एस्टेब्लिशमेंट को उनसे डील करनी पड़ेगी। तो मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। एक लम्हे में आप उनको कहते हैं कि गद्दार है, एक लम्हे में आप कहते हैं कि जी ये हुब्बुल वतन नहीं है, एक लम्हे में आप कहते हैं कि रॉ के साथ ताल्लुक आते हैं, एक लम्हे में आप कहते हैं कि जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, और अगले ही लम्हे के अंदर उनके कहने के ऊपर आप गवर्नर भी बना रहे होते हैं, उनके कहने के ऊपर उनके लोगों को वजीर भी बना रहे होते हैं। और साहब एक वक्फा लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस मामले के मजीद पहलू जो हैं वो आपसे उस गुफ्तगू करें, लेकिन एक वक्फे के बाद नाज़रीन उठो तो वक्फा वापस प्रोग्राम करते हुए वेलकम बैक नाज़रीन जो प्रोग्राम जिस सिलसिले के अगते उधायूं गुफ्तगू कयूं था कराची के हवाले से और मुल्क के मजमूई सियासी मंजरनामे के हवाले से। अल्ताफ हुसैन के मथा जो मनी लॉन्ड्रिंग जो केस हुए वो बरतानिया की पुलिस जो उनकी जो है तफ्तीश जो है वह मुकम्मल करने ऐलान कर छोड़ो है, जैखा पो उन्होंने चो हाँ उन हवाले से को कदम न खो वो यकीनी तौर पर इनको मतलब यो ही थे तो अल्ताफ हुसैन के मथा मनी लॉन्ड्रिंग जो केस बरतानवी पुलिस साबित न कर सकी, मतलब वो केस खत्म थो। उन हवाले से पाकिस्तान की सियासत ए खास तरह मुतहदा को मूवमेंट की सियासत आ उनते कड़ा असर पवंदा ए कराची के सियासी मंजरनामो मुस्तकबिल में कड़ो शेप वो उन हवाले से मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हाफिज तारिक महमूद साहब से असि गुफ्तगू हल हुई, अचो तो उन गुफ्तगू के अगत बदायूँ। हाफिज साहब ये जो सूरत हाल जिस तरह आपने बयान की है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी से लेकर पाकिस्तान की हुकूमत को सिक्योरिटी इदारों को पता है कि वो बरतानिया की हुकूमत का रॉ का और अल्ताफ हुसैन का नेक्सस भी वो बिल्कुल वाज़े हो गया है, और उसके बाद इन लोगों ने कोशिश नहीं की, नाअहली है, निगलिजेंस है, वॉट एवर, और फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो जिस तरह कार्ड खेले जा रहे हैं कराची के अंदर वो भी कोई अक्लमंदी से नहीं खेले जा रहे, और उस हवाले से ट्रस्ट डेफिसिट तो पहले ही है कि पाकिस्तान के इदारे इस तरह के मामला में क्या करते हैं। फिर ये जो लोग हैं मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में या अलता फारूक सत्तार की सूरत में, क्या इनका मुस्तकबिल भी आप फारूक अजीम तारिक की और वो उन पुलिस वालों की तरह देखते हैं जो पुलिस वाले 92 के 90s के ऑपरेशन के अंदर एक्टिव हुए थे, फिर सबको जो है वो चुन चुन के जो है वो किया गया? हालात तो फयाज भाई उसी तरफ जा रहे हैं। आपने निशानदेही की पुलिस अफसरान बड़े बड़े ब्लू आइड थे और आप देख लें कि किस में से क्या हुआ उनके साथ और कौन पुरसाने हाल था। अब वही बात आ जाती है कि ये एक जिस तरह सियासतदान होते हैं ना, या ऐवान इख्तदार में या फिर जो है वो जेल में, इन पुलिस अफसरान के साथ भी यही मामला था। ये तो गुज़िश्ता 10-15 साल में ठीक हुआ ना, या ये ऑपरेशन में होते थे और जब हुकूमत आप बदल जाती थी और एमकेएम उस हुकूमत में आती थी तो ये रांदा दरगाह हो जाते थे, इनको पोस्टिंगें नहीं होती थी, ये अपनी जान के लाले पड़े हुए होते थे, छुप रहे होते थे।
जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर घुस के लोगों को मारा गया, यानी तौफीक जायद को जो मारा गया वो इस तरीके से, कोई कहीं रूपोशी काट रहा था वहां से ढूंढ के उसको निकाल के मारा गया। इसी तरीके से आप पॉलिटिकल ओपोनेंट को देख लें, शहर के अंदर एक एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को जो जिसने बुलंद आवाज की, चाहे वो डॉक्टर परवेज महमूद हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो हकीकी के लोग हों, चाहे एमकेएम के अपने लोग हों जिनकी डिफरेंस की कहानियां आया करती थी, एक एक करके जो है उनको चुनकर कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया? जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्सेज या कोई ना कोई ग्रुप्स तो ऑपरेट कर रहे थे ना। अब आप आ जाएं फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के मामले में। मुस्तफ़ा कमाल जिस वक्त एंटर हुए उस वक्त अल्ताफ हुसैन एग्जिस्ट करते थे 100% और वो उसी तरीके से जो है ना वो मामलात को कर रहे थे, जनरल वर्कर इजलास भी कर रहे थे, लोगों से राबते भी कर रहे थे, एक एक जगह के ऊपर उनकी प्रेजेंस थी, उनको डिफेंड करने वाले लोग भी थे, एक एक सारा मामला हो रहा था। और मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के साथ कुछ ऐसी हरकत व सकनात अटैच हो गई जिसकी वजह से इसमें कोई शायबा नहीं रहा कि इनको किसकी सरपरस्ती हासिल है। खयाबाने शहर में आ जाना, चले कोई बात नहीं भाई, कोई आके कहीं पर भी बैठ सकता था, मगर जो मिसिंग पर्सन थे अगर वो उनके दफ्तर से बरामद हो, अगर एक आदमी जो एक दिन वांटेड हो इलाके में दूसरे दिन जो है वो अनवांटेड हो जाए और वो पीएसपी का दफ्तर खोल ले, एक आदमी जिसको पकड़ने के लिए रेंजर्स और पुलिस छापे मार रही हो अगले दिन जो है वो आके दफ्तर खोल के बैठ जाए तो कोई उसको पूछने वाला नहीं हो, एक आदमी जो के मुख्तलिफ किस्म की जो है वो संगीन वारदातों में मुलव्विस हो और उसको जेल में फैसिलिटी ना हो और अचानक से उसको जेल में कोई फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाए, और फिर जो टेलीफोन कॉल्स लोगों के पास आना और उनको कहना कि जी आप इस कैंप में चले जाओ, उसमें से बहुत सारी जो इल्जाम हैं एमकेएम के झूठे होंगे लेकिन बहुत सारे इल्जाम दुरुस्त भी हैं। उसकी वजह यह हुई कि अवामुन्नास के अंदर एक क्लियर परसेप्शन चला गया, बातें वो ठीक कर रहे हैं बहुत सारी, गलत बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दाएं बाएं तो देखें गुज़िश्ता 5-7 साल के अंदर इस शहर की तबाही के अंदर जो जो लोग मुलव्विस थे वो उनके साथ बैठे हुए, जो लोग चाइना कटिंग में मुलव्विस थे उनके साथ बैठे हुए, जो लोग कत्लो गारतगरी में टारगेट किलिंग में भत्ताखोरी में मुलव्विस थे वो उनके साथ बैठे। कौन से चाइना कटिंग में कौन मुलव्विस था? चाइना कटिंग के अंदर अब मुझसे नाम आप जरूर आपने लेना है, मेरे काफी ऐसे लोग हैं जो मेन उनके मरकजी लीडरान के अंदर शामिल हैं और उनका नाम आता था कि जनाब ये चाइना कटिंग के अंदर है, उनके साथ मौजूद हैं। ये एमकेएम तो इल्जाम लगाती है वसीम आफताब पे, तो बस अब आप खुद नाम ले रहे हैं तो मैं उसमें नहीं जा रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसका नतीजा तो मैं गया था तो उन लोगों ने मैंने उसको कहा भी था, मैंने कहा वो कहते हैं कि चाइना कटिंग के एक्सपर्ट आपके वार्ड पे, मैं पीएसपी के दफ्तर गया था तो मैंने उनको कहा था कि इस तरह का इल्जाम लग रहे हैं, वो कहते हैं लगने ना इल्जाम तो पाकिस्तान में इल्जाम तो चूंकि ना साबित होने ना इल्जाम के ऊपर कोई सियासत होनी है, हम तो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहे तो उसमें फख्र महसूस करते हैं कि यार इतना बड़ा इल्जाम जो है हमारे ऊपर लगा, तो ये तो हमारे यहाँ प्राइड की बात है। उसके मुकाबले में फारूक सत्तार की जो पार्टी है वो फारूक सत्तार की पार्टी जो है कोई प्लांटेड पार्टी के तौर पर इमर्ज नहीं हुई, कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई ऐसी प्लानिंग के तौर पर इमर्ज नहीं हुई। अगर अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त की तकरीर नहीं करते, अगर एआरवाई के ऊपर उस तरीके से हमला नहीं होता, अगर पाकिस्तान के खिलाफ उस तरीके से नारे नहीं लगते, तो फिर शायद ये लोग जो है वो मजीद कई सालों तक इसी तरीके से अल्ताफ हुसैन को डिफेंड करते रहते। अल्ताफ हुसैन की तकरीर ने इन्हें मजबूर कर दिया कि इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा कि अगर इन्होंने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में सियासत करनी है, तो इनको अपने आप को अल्ताफ हुसैन से कतः ताल्लुक या ला ताल्लुक की करनी थी ताकि इनको मार्जिन मिले। इस और दूसरा अल्ताफ हुसैन के नारे के ऊपर ये जो पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, आम महाजिर अफराद जो हैं और कराची में बसने वाले अफराद हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उसको अच्छा समझता हो, उस वजह से सिंपथीज हासिल हुई डॉक्टर फारूक सत्तार को। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मामलात वैसे ही रहते हैं, छापे गिरफ्तारियां उनके लोगों के साथ होती हैं, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं देती और वो काम नहीं कर पाते, उनके लोगों को वैसे ही अरेस्ट किया जाता है और बकौल उनके साथ ज्यादती होती है और वो ज्यादती है छोटी सी ज्यादती जो है ना वो ज़्यादा प्रोजेक्ट हो जाती है, तो फिर जो वो नैरेटिव बेच रहे हैं कि जनाब इसका मतलब है लेकिन देखे ना, जो गिरफ्तारियां हुई हैं कम्युनिटी है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें तो अपना वो आपके अपना अनीस अरुण साहब भी जो अनीस अपना कायम खानी साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं, जो पीएसपी के बहुत ही अपना समझे के वो बहुत बड़े लीडर हैं, वही लीडर है ठीक है ना, हाँ, मतलब असल लीडर जो है पीएसपी के वही है ठीक है ना, गिर जो है ना वो सारा स्ट्रक्चर घूमना है ठीक है।
तो वो भी अपना गिरफ्तार हो गए हैं। तो इसमें फिर क्या है, अगर वो गिरफ्तार हो गए और वो उसके साथ ये अपना आपके जो वो कहते हैं ना फयाज भाई कि जब बुराई आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को जो है ना वो कुत्ता काट लेता है, तो अनीस कायम खानी साहब के साथ वो मामला हुआ है। वसीम अख्तर को रिहा करने का फैसला जिस दिन हुआ उस दिन अनीस कायम खानी साहब ऑटोमेटिकली रिहा हो जाएंगे। उनकी बदकिस्मती ये है कि वो एक ऐसे केस में अटैच हो गए हैं जहां पर हमारे इदारों ने वसीम अख्तर को रखना है। अगर अनीस कायम खानी को बेल देते हैं तो फिर उनको साथ में वसीम अख्तर को भी बेल देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी और केसेस जो है ना वसीम अख्तर पे ऐसे नहीं है उनके ख्याल में कि जिसमें उनकी बेल जो है वो बहुत ज्यादा अरसे तक रोकी जा सके। तो अब मामला ये है कि कितना अरसा वसीम अख्तर जेल में रहेंगे तो उतना ही अरसा अनीस कायम खानी साहब भी जो है वो जेल में रहेंगे। लेकिन एक बड़ा अजीब गरीब मामला है कि कुछ लोग जेल में जाते हैं और फौरन अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर आसिम हो, चाहे वो डॉक्टर निसार मुराई हो, चाहे वो अनीस कायम खानी हो और चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, कि ये जैसे ही इनको कोई ना कोई मामला होने लगे तो इनको जो है वो बीमारी ऐसी होती है कि ये सियासी बीमारों को जो है वो जेल में भी फोन की सहूलत हासिल होती है, अस्पतालों में भी फोन की सहूलत हासिल होती है। और अब जो है एक और पहलू से मैं चाहता हूँ, अब हमारे जाहिर है कल से जो हम सब सुन रहे हैं और जो बात करें हम खुद भी, कि बरतानिया का जो वो कानून है वो बिल्कुल अपना पॉलिटिकल उसके अंदर चला गया और उसने जो है वो इंसाफ नहीं किया, हमारे यहाँ सारा नैरेटिव यही चल रहा है। लेकिन बल्दिया फैक्ट्री का सानहा भी तो हुआ, इस तरह के बहुत सारे सानहात कराची के अंदर हुए हैं, और फिर नेटो टैंकर गुम होने की बात हुई किसी ज़माने में, और फिर अब जो हमने वो अजीज़ाबाद के करीब एक घर खोल के उसमें से वो गया और हमने बड़े अपना फ़ख्र के साथ कहा, और नेटो का असला भी उसमें से बरामद कि ये इसमें नेटो की स्टैंपिंग है। हालांकि वो जो कंटेनर जितने गुम होने की बात हुई थी उस हिसाब से तो ये एक एक, एक मोर्चे का असला होगा, इस तरह के 2-4 हज़ार और मोर्चे इनके पास और होंगे जहाँ पे वो असला होगा। तो इन चीज़ों की तहकीकात भी तो हम नहीं कर रहे ना, हमारे इदारे यानी नेटो के इतने टैंकर का गुम होना ये हमारी सलामती के लिए कितना ख़तरा है, यानी इतने बड़ी तादाद में अगर नेटो का असला और वो गुम हो जाए और ऐसे वोलेटाइल सिटी के अंदर गुम हो जाए और फिर आप उसकी तहकीकात भी ना करें ना, मतलब वो तो उनके ऊपर तो हम कर रहे हैं शक, बरतानिया के कानून के ऊपर तो शक कर रहे हैं। दुरुस्त है बिल्कुल, हमें देखें सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है या हुक्मरानों का कानून है। हमारे यहाँ हुक्मरानों का कानून है, एक ही केस के अंदर आप गुलफराज को बंद कर देते हैं, कंवर नवेद को बंद कर देते हैं, कंवर मंसूर को बंद कर देते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार को बंद नहीं करते, ख्वाजा इजहार को पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं। एक ही केस में अल्ताफ़ हुसैन शाहिद हामिद कत्ल केस में जिसमें सौलत मिर्ज़ा को फांसी की सज़ा हुई है उसमें को एक्यूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट से मफरूर अफराद की फहरिस्त है उसमें अल्ताफ़ हुसैन, आज का केस तो नहीं है ना, शाहिद हामिद का केस रजिस्टर होने के बावजूद पाकिस्तान के सिविलियन इदारों के लोग भी और अस्करी इदारों के लोग भी जा जाके लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुलाकातें करते रहे। हमारे यहाँ तो हाल ये है कि आप एक शख्स को गवर्नर बनाते हैं, गवर्नर बनने से चंद दिन पहले तक उस पर केस होते हैं, गवर्नर बनाने के लिए उसके केसेस आप खत्म कर देते हैं। हाल यह है कि एनआरओ करते हैं तो हजारों अफराद के केसेस जो है वो चाहे कितनी संगीन नौयत के हों वो खत्म कर देते हैं। हाल यह है कि जनाब ये जो एफआईआर है वो भरी पड़ी है सच्ची झूठी, कोई कुछ नहीं होता, और अगर वो कोर्ट में चली जाए तो कोई गवाह देने के लिए गवाही देने के लिए नहीं आता, फिर गवाही भी हो जाए तो उसके बाद अदालतें फैसला नहीं करती हैं, अदालतें फैसला कर दे तो उसके ऊपर कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं होता, सैकड़ों केसेस पड़े हुए। तो बल्दिया टाउन फैक्ट्री तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, 250-300 लोग जो है जिसके अंदर जिंदा जला दिए गए, किसी कौम के लिए मतलब डूब मरने का मकाम साना है। डूब मरने का मकाम है कि जिंदा इंसानों को, गरीब जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, सर पे जो है ना कपड़ा नहीं था, उनको जो है वो दहकती हुई आग में झोंक दिया गया और तमाशा देखते रहे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को नहीं भेजा गया। इसी तरीके से इस शहर के अंदर जो है वो एक आदमी जो पराठे तलने वाला पठान था, मोची था, मूंगफली बेचने वाला था, या एक गरीब महाजिर आदमी था, या लियारी का बलोच था, किस किस तरीके से बस स्टॉप पे खड़े हुए से लेके इमाम बारगाह में मस्जिद में, आप बताइए कि किसके साथ इंसाफ हुआ। हम तो इंसाफ करना ही नहीं चाहते, हम तो सिर्फ दिहाड़ी लगाते हैं, फातिहा पढ़ने के लिए फोटो सेशन करा देंगे, उनकी लाशों के ऊपर सियासत करेंगे, बरसियां आ जाएंगे तो कहेंगे कि जी इसने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन ना हम उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करते हैं,
ना जो है हम उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पूरे का पूरा हमारा सिस्टम ही इस मामले फिर बर्तानिया के सिस्टम पे क्यों हम सवाल तो बर्तानिया के सिस्टम पे तो हम हमने जो है हम क्यों बात करें फिर जब जो चीजें हमारे मुल्क के लिए यानी अगर वो नेक्सस है रा का और अल्ताफ का तो ये हमारे मुल्क के लिए खतरा है, बर्तानिया के लिए तो खतरा नहीं है। देखिए उनको तो हमारे पास जो इतने बड़े अपना शवाहद हैं, जिस तरह आपने कहा कि अपना वो जो है शाहिद हामिद केस था, और इसके अलावा बल्दिया फैक्ट्री से लेकर कितने हमारे पास शवाहद हैं, इतने बड़े केसेस पड़े हुए हैं जिसको अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उस इंटेंसिटी के साथ उसको प्रोसिक्यूट करवाएं तो हमें जरूरत नहीं है कि हम बर्तानिया के तरफ मुंह देखें कि इस केस का, उसमें तो एक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का ना, हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों केस हैं, तो हम अपने केसेस पे नहीं बात करते, हम कल से वो ढोल पीट रहे हैं कि बर्तानिया ने जुल्म कर दिया। हमारी ख्वाहिश ये थी कि वो कुछ कर दें ताकि जो है ना हमारी जान छूट जाए अगर उनकी तरफ से कोई फैसला हो जाए, और हम ये कहें कि देखें हमारे यहाँ तो झूठे केसेस होते हैं जो एक नैरेटिव है या कुछ है, बर्तानिया में तो चूंकि इंसाफ होता है लिहाजा जो है ना वो ये मामला हो गया। तो ये बात है कि हमने खुद कुछ नहीं करना, मुल्क की सलामती के इदारे जो ये GITs मुख्तलिफ हुई हैं जिसमें हर इदारे का ISI का MI का IB का पुलिस के लोग बैठे रहे, लोगों ने कन्फेस किए हैं, एडमिट किए हैं, बताया है कि किस किस तरीके से साउथ अफ्रीका ऑपरेट होता रहा है, किस तरीके से लंदन से हिदायत मिलती रही है। अभी भी सुना ना, अभी जो अपना असला पकड़ा तो साउथ अफ्रीका का नाम हमने सुना ना। तो ये होता रहे मगर हमने क्या किया, हम तो अपने यहाँ भी कोई चीज़ करने पर तैयार नहीं है ना। और दूसरी बात यह कि मैं बड़ी एक बदकिस्मती की बात होगी कि अगर हमने इस चीज़ को जो शहर के अंदर जो भी ऑपरेशन हुआ जिसमें अच्छाइयाँ भी हुई होंगी बुराई भी होंगी, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई, अल्टीमेट रिजल्ट ये था कि कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ी, बत्ताखोरी कम हुई, मुझे अगर अगर हमने सही डायरेक्शन में काम नहीं किया तो मुझे ये चीज़ें रिवर्स होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि शहर एक मरतबा फिर आतिशफिशा की तरफ, आग की तरफ चला जाएगा अगर हमारी अस्करी इदारे और सिविलियन इदारे एक पेज पे नहीं हुए और इस पे हमने किसी विजन के साथ किसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो ये शहर जो है एक मरतबा फिर भत्ताखोरों और दहशतगर्दों की तरफ चला जाएगा और फिर लोग जो है उनके मरूने मिन्नत हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इससे बड़ी हमारी कोई बदकिस्मती नहीं होगी अगर इस तरह होता है। आपकी बड़ी मेहरबानी हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन गुफ्तगू तामदी हाफिज़ तारिक महमूद साहब असगरन मुल्किया सीनियर साफ़ी कराची जो मंज़रनामो अल्ताफ हुसैन जे मथां मनी लॉन्ड्रिंग केस जो ख़ात्मो ऐं उन खां पोइ कहिड़ो इम्पैक्ट पवंदो हाफिज़ साहब जेका अॼु ख़बर ॾिनी आहे त ईंदड़ कुझु ॾींहनि में 2-4 ॾींहनि जे अंदरि जेको आहे लंडन जी जेका MQM आहे उहा बि पंहिंजी राबता कमेटी जो ऐलान करण वारी आहे। उनखां पोइ असां वटि हिते छा सूरताल थींदी ऐं कराची जे अंदरि जेका ज़ाहिर आहे इहो टग ऑफ वार जेका आहे उहा वधीक तेज़ थींदी। हिन वक़्तु जेका PSP ऐं MQM पाकिस्तान जे विच में जेका कारकुननि जे ऐं माण्हुनि जे हवाले सां यूनिट ऐं सेक्टरनि जे हवाले सां जेको तकरार आहे उहो यकीनी तौर ते जॾहिं लंडन जी राबता कमेटी अगरि थिए थी ऐं हुकूमत ऐं रियासती इदारा उनखे कीअं टेकल कंदा, छाकाणि त लंडन जी जेका राबता कमेटी ऐलान थींदी उन जा जेके पाकिस्तान या जा जेके माण्हू हूंदा उन्हनि जे बारे में हुकूमत ऐं रियासती इदारनि जी छा पॉलिसी हूंदी, इहो तमामु हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे। ऐं उन हवाले सां फारूक सत्तार साहब त पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार अॻुवाट करे चुका आहिनि। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाई कजो।